नुपुर शर्मा को टारगेट करने की कई साजिशों का पर्दाफाश एक करके हो रहा है। बिहार के फुलवारी शरीफ में गिरफ्तारियों के बाद एक के बाद एक सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है और जांच एजेंसी को पीएफआई की इंटरनेशनल यूनिट का पता चला है, जिसका हेडक्वार्टर कतर की राजधानी दोहा में है। और नुपुर शर्मा को कतर से भी जान से मारने की धमकियां मिली है। पता चला है कि कतर में एक्टिव पीएफआई की यूनिट भारत में पीएफआई कैडर्स को आर्थिक मदद से लेकर ट्रेनिंग के लिए भी जो गाइडेंस है वो देती है। कतर से पीएफआई के लिए काम कर रहे लोग पटना के फुलवारी शरीफ में पकड़े गए अतर, परवेश और दूसरे संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में थे, यानी कि इंटरनेशनल फंडिंग और दूसरी मदद लेकर पीएफआई के कैडर देश में बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि देश में रहकर और विदेश में भी वो चला रहे हैं अपने पीएफआई की इंटरनेशनल साजिश को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। कतर की राजधानी दोहा में पीएफआई का हेडक्वार्टर है, जहां से पीएफआई कैडर्स को साइबर और आर्म्स एक्टिविटी के लिए मदद पहुंचाई जाती है। दोहा से पीएफआई के लिए काम करने वाले दो मेन किरदार हैं, एक का नाम है अब्दुल अजीम जो कि हैदराबाद का है, जबकि दूसरे का नाम है के एम आरिफ जो कि केरल का रहने वाला है। दोहा की पीएफआई यूनिट फुलवारी शरीफ में पकड़े गए अतहर के संपर्क में भी थी, ये आपको भूलना नहीं है। अतहर के संपर्क में ये बनी हुई थी और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा की हत्या या इससे जुड़ी हुई जितनी घटनाएं हैं उसमें पीएफआई का रोल नजर आता है। और पीएफआई के कैडर को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी जिससे किसी इंसान को जल्दी से जल्दी मारा जा सके। चाकू से कहां वार करने पर मौत जल्दी हो जाती है, लाठी से वार करना कहां पर ज्यादा घातक होता है, रॉड से कैसे मारना है और अगर निहत्ते लड़ाई करनी है तो पंच मारने से इंसान की मौत कैसे हो सकती है, यह भी सिखाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि बहुत से सबूत मिले हैं, जांच पूरी होने के बाद पुलिस अब आगे खुलासा करेगी। ट्रेनिंग कैंप्स तो हुई हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हुई हैं और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स का हम लोगों ने पता चला है। हम लोग उसकी जीरोइंग कर रहे हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस पार्टिसिपेंट्स को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उन तक पहुंचेंगे। नहीं तो ये जो वीडियोस आप लोग रिकवर किए थे और जो आप इन्वेस्टिगेशन किए तो कुछ कॉरोबोरेट हुआ एविडेंस या आपको कुछ मिला नहीं? नहीं, एविडेंसेस कॉरोबोरेट हुए हैं और एविडेंसेस में हम लोग एडवांस आगे बढ़ रहे हैं। क्या और भी बिहार के किन जिलों में ऐसे सेंटर चल रहे हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आई है? हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, हम लोग उसको वेरीफाई करा रहे हैं। वक्त वेरिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि पुलिस के पास अब जो चीजें सामने आई उसमें साफ हो गया कि किस तरह से पीएफआई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कतर में जो उनका हेडक्वार्टर है अपने इंटरनेशनल यूइंग के जरिए भी यहां पर लोगों को ट्रेन कर रही है, हर फील्ड के लोगों को जोड़ा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कैडर तैयार किया जा रहा है और हैप्पी फैमिली नेशन नाम से प्रोग्राम चलाकर लोगों को गुमराह करके साथ में लाया जाता है। उनको लड़ाई करने की ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनका मकसद एक ही है 2047 भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना, उसी के जुगत में पीएफआई के हर कैडर लगे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।